प्रो कबड्डी सीजन 8 में गुजरात फॉर्च्यूनजाइंस कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बताऊंगा गुजरात फॉर्च्यूनजाइंस की रिलीज प्लेयर लिस्ट जो प्रो कबड्डी सीजन 8 में रहने वाली है। तो गाइस वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तुम लोग आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जो जो भी प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वही प्लेयर को रिलीज करेगी। यहाँ पे मैं दोस्तों परफॉर्मेंस के थ्रू नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेयर है, जिस प्लेयर का मैंने नाम लिया वो प्लेयर का परफॉर्मेंस अगर बहुत ख़राब रहा है तो उसी प्लेयर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो प्लेयर को वो टीम रिलीज कर सकते। गाइस यहाँ पे मैं अपने मर्जी से कोई भी नाम सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के बेस पे वो प्लेयर का नाम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर में नाम निकल के आता है गुरविंदर सिंह का। दोस्तों गुरविंदर सिंह भी बहुत अच्छे रेडर थे, लेकिन यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, और मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 में गुरविंदर सिंह को गुजरात फॉर्च्यूनजाइंट्स की टीम रिलीज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में गुरविंदर सिंह नजर आ सकते हैं। गाइस वही बात की जाए दूसरे प्लेयर की, तो गाइस यहाँ पे दूसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है हरमनजीत सिंह का। दोस्तों हरमनजीत सिंह भी एक बहुत ही अच्छे रेडर है, और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस भी प्रो कबड्डी सीजन 8 में बहुत, मतलब प्रो कबड्डी सीजन 7 में बहुत ख़राब रहा। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहना चाहिए उस हिसाब से परफॉर्मेंस प्रो कबड्डी सीजन 7 में नहीं दिखा पाए, फ्लॉप हो गए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे हरमनजीत सिंह को गुजरात फॉर्च्यूनजाइंट्स की टीम रिलीज कर सकती है, और प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में हरमनजीत सिंह दिख सकते हैं। गाइस वही बात की जाए तीसरे प्लेयर की, तो गाइस यहाँ पे तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है अंकित का। दोस्तों अंकित भी डिफेंडर है जो राइट कॉर्नर के है, और इनका परफॉर्मेंस भी प्रो कबड्डी सीजन 7 में अच्छा नहीं रहा, बहुत ही निराशाजनक रहा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स की टीम अंकित को भी रिलीज कर सकती है, और प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में अंकित भी हमें नजर आ सकते हैं। गाइस वही बात की जाए चौथे प्लेयर की, तो गाइस यहाँ पे चौथे प्लेयर में नाम निकल के आता है ललित चौधरी का। दोस्तों ललित चौधरी भी रेडर, और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस भी प्रो कबड्डी सीजन 7 में बहुत ही ख़राब रहा, और यहाँ पे गाइस मुझे लगता है कि ललित चौधरी को भी गुजरात फॉर्च्यूनजाइंट्स की टीम रिलीज कर सकती है, एंड प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी ललित चौधरी हमें दिख सकते हैं। गाइस वही बात की जाए आखिरी प्लेयर यानी कि पाँचवें प्लेयर की, दस पाँचवें प्लेयर में नाम निकल के आता है साजिद हुसैन का। दोस्तों साजिद हुसैन भी ऑलराउंडर है, ना इनका परफॉर्मेंस रीडिंग में अच्छा रहा, साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंस डिफेंडिंग में भी अच्छा नहीं रहा, ओवरऑल दोनों ही में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन रहा, और जिस हिसाब से प्लेयर है, जिस हिसाब के प्लेयर है उस हिसाब का परफॉर्मेंस थोड़ा भी हमें नहीं दिखा, निराशाजनक परफॉर्मेंस, निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया प्रो कबड्डी सीजन 7 में, एंड मुझे लगता है कि इनको भी प्रो कबड्डी सीजन 8 में साजिद हुसैन को गुजरात फॉर्च्यूनजाइंट्स की टीम रिलीज कर सकती है। तो बस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्लेयर है जिन्हें गुजरात फॉर्च्यूनजाइंट्स की टीम रिलीज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे गुरविंदर सिंह का नाम निकल के आता है, हरमनजीत सिंह का नाम निकल के आता है, अंकित का नाम निकल के आता है, ललित चौधरी का नाम निकल के आता है, एंड साजिद हुसैन का नाम निकल के आता है। सो गाइस फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि मैं नई वीडियो जब भी डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पे आ जाएगा। इस आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर लीजिए। और हाँ गाइस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, सभी टीम की स्क्वाड के ऊपर वीडियो बना रखी है, कौन सी टीम कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी उस पर भी वीडियो बना रखी है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।